अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़े ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में काली बिल्ली देखने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। पहले इसकी अमूमी तबीरात जानेंगे जो मर्दों और ख़वातीन के लिए एक जैसी होती हैं, फिर उन लोगों के लिए जो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपनी तबीरात जानना चाहते हैं, कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, किसी आदमी और मुतलका औरत के लिए इसके अलग अलग तबीरात भी जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की तबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब कोई शख्स काली बिल्ली का ख्वाब देखता है तो ये विजन कई मायने की नुमाइंदगी कर सकता है। गद्दारी या जादू जैसे खुफिया तरीकों के साथ साथ उन पर अमल करने वाले लोगों की भी नुमाइंदगी करता है। जहाँ तक काली जंगली बिल्लियों का ताल्लुक है, वो दुश्मनों की अलामत हैं जिनकी खसूसियात इंतहाई दुश्मनी है। अगर काली बिल्ली घरेलू है तो ये एक ऐसे शख्स की अलामत है जो अपने अल्फाज से अपने आसपास के लोगों का दिल जीतने की कोशिश करता है। अगर ख्वाब में काली बिल्ली की दुम नज़र आए तो ये हकीकी ज़िंदगी में चोर या दुश्मन की मौजूदगी की निशानदेही करता है। ख्वाब में काली बिल्ली के साथ खेलना ख्वाब देखने वाले को अपने दोस्तों की तरफ से खबरदार करता है क्योंकि उसकी संगत अच्छी नहीं है। मुर्दा काली बिल्ली को देखना जादू या बुराई से छुटकारा पाने की तरफ इशारा करता है और काली बिल्ली की मौत दुश्मनियों और मसाइल के ख़त्म होने की अलामत हो सकती है। अगर कोई शख्स ख्वाब में काली बिल्ली को मारते हुए देखे तो ये उसकी ज़िंदगी में दुश्मनों पर फतह की खुशखबरी हो सकती है। घर में काली बिल्ली का नजर आना ख्वाब देखने वाले के गिरदो पेश में दुश्मनों की मौजूदगी या प्यारों की तरफ से धोखादही से ताबीर किया जा सकता है। काली बिल्ली को घर के अंदर पालने का ख्वाब देखना किसी ऐसे शख्स की मौजूदगी की निशानदेही करता है जो जासूसी कर रहा है या ख्वाब देखने वाले की राजदारी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। ख्वाब में काली बिल्ली का घर में दाखिल होना घर में चोर के दाखिल होने के इम्कान की निशानदेही करता है, जबकि काली बिल्ली को ख्वाब में घर से कुछ लेकर निकलते देखना जायदाद या माल के नुकसान की निशानदेही करता है। कुंवारी लड़की के लिए काली बिल्ली के ख्वाब की ताबीर। इब्ने सिरिन रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक एक कुंवारी लड़की के ख्वाब में काली बिल्ली का आना हसद या जादू से मुतासिर होने की निशानदेही करता है। अगर कोई लड़की ख्वाब में काली बिल्लियों के साथ खेलती है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वो ऐसे दोस्तों से राब्ते में है जो मुनाफिक और धोखेबाज हैं। छोटी काली बिल्ली को देखना उसकी शादी में ताखीर का इम्कान जाहिर करता है, जबकि काली बिल्ली का ख्वाब में खेलना उसके इर्द गिर्द एक बदतमीज़ नौजवान की मौजूदगी की निशानदेही करता है। काली बिल्लियों को ख्वाब में घर से निकालकर उनसे छुटकारा हासिल करना अपने धोखेबाज दोस्तों को छोड़ने की नुमाइंदगी करता है। अगर कोई लड़की ख्वाब में अपने घर के अंदर गंदी काली बिल्ली देखे तो इससे मालूम होता है कि उसने किसी ऐसे शख्स से जिस्मानी ताल्लुक बनाया है जो उसे नुकसान पहुँचाएगा। अगर ख्वाब में एक काली बिल्ली उस पर हमला करती है तो इससे जाहिर होता है कि वह मसाइल और परेशानियों में फंस जाएगी, जबकि काली बिल्लियों को उनके खौफ से देखना दुश्मनों से तहफ़ हासिल करने की तरफ इशारा करता है। अगर वह ख्वाब में देखती है कि उसे काली बिल्ली ने काटा है तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि उसे धोखा दिया जाएगा और उसे नुकसान पहुंचेगा। दूसरी तरफ अगर वो काली बिल्लियों को मारने का ख्वाब देखती है तो ये उसके जादू को तोड़ने और हसद से छुटकारा पाने की सलाहियत की निशानदेही करता है। एक आदमी के लिए काली बिल्ली के ख्वाब की ताबीर। अगर कोई शख्स ख्वाब में काली बिल्ली को अपने साथ बातें करते हुए देखे तो इससे मालूम होता है कि वो किसी बुरी शोहरत वाली औरत के साथ ताल्लुकात अस्तवार कर रहा है। अगर वो ख्वाब में काली बिल्ली को घर से भगा देता है तो ये इस बात की अलामत है कि ये मर्द अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार कर लेगा, जबकि यही ख्वाब अगर कुंवारा लड़का देखे तो वो बेवफाई के शक की वजह से मंगनी या रिश्ता ख़त्म कर देगा। एक आदमी के लिए ख्वाब में काली बिल्ली देखना ये भी पेशन गोई करता है कि उसे किसी धोखे की वजह से बहुत ज़्यादा माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर कोई शख्स अपने बिस्तर पर काली बिल्ली को सोते हुए देखता है तो इससे जाहिर होता है कि वो ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा है जो शरीयत में हराम है, जैसे कि जना या नाजायज ताल्लुकात, और इसके लिए हक की तरफ लौटने और खुदा से तौबा करने की ज़रूरत है। शादीशुदा औरत के ख्वाब में काली बिल्ली देखने की ताबीर। अगर एक शादीशुदा औरत काली बिल्ली को अपने करीब आते देखे तो ये उसकी ज़िंदगी में किसी गद्दार या जालिम शख्स की मौजूदगी की निशानदेही करता है, जबकि काली बिल्ली के छोटे बच्चों को देखना ख़ानदान के अफराद की तादाद में इजाफे की निशानदेही करता है। दूसरी तरफ एक मुर्दा काली बिल्ली किसी रिश्ते या शादी के खात्मे की अलामत होती है। अगर शादीशुदा औरत एक काली बिल्ली को घर से बाहर निकालते हुए देखती है तो ये ख़ानदानी तनाज़ात को हल करने और अपने घर में अमन बहाल करने की निशानदेही करता है। ख्वाब में काली बिल्ली को कुछ खुरचते देखने की सूरत में ये इस बात की अलामत है कि उसे अपने शोहर के साथ मसाइल का सामना करना पड़ेगा। काली बिल्ली के काटने से होने वाले दर्द का एहसास धोखादही या तवज्जो की कमी की नुमाइंदगी करता है, जिसे वो अपने शोहर से महसूस करती है।
इसके अलावा काली बिल्लियों का खौफ देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो अपने बच्चों को किसी भी मुमकिन ख़तरे से बचाना चाहती है। अगर एक शादीशुदा औरत ख्वाब में देखती है कि काली बिल्ली उसका पीछा कर रही है तो ये ख़तरे या नुकसान की अलामत हो सकती है जो उसके मुस्तकबिल में आने वाला है। अगर वो अपने आप को काली बिल्ली के सर पर मारते हुए देखती है तो वो किसी को सजा देने की कोशिश करेगी। तलाक याफ्ता औरत के लिए काली बिल्ली के ख्वाब की ताबीर। जब एक तलाक याफ्ता औरत काली बिल्ली का ख्वाब देखती है तो ये उसकी ज़िंदगी में चालाक दुश्मनों की मौजूदगी की निशानदेही करता है। अगर वो खुद को छोटी काली बिल्लियों को खाना खिलाते हुए देखती है तो ये बच्चों की मोहब्बत, फिक्र और उन पर पैसा खर्च करने को जाहिर करता है। ताहम अगर वो एक काली बिल्ली की मौत देखती है तो उसका किसी से ताल्लुक़ ख़त्म होने का इशारा हो सकता है। अगर वो अपने घर में बहुत सी काली बिल्लियाँ देखे तो ये ख्वाब बताता है कि उसके ख़ानदान में बहुत से लोग हैं जो उसके मुखालिफ हैं। उसे उन बिल्लियों के खौफ से रोते हुए देखना परेशानी और उदासी के ख़त्म होने की अलामत है। काली बिल्लियों के हमले से भागना दुश्मनों के सामने उसकी कमज़ोरी का एहसास जाहिर करता है। इसके अलावा काली बिल्ली के काटने से खून बहना पैसे या हकूक के नुकसान की निशानदेही करता है। काली बिल्ली को मारने या बाहर निकालने की सूरत में इशारा करता है कि वो अपनी ज़िंदगी में मुनाफिकों और दुश्मनों से छुटकारा पा लेगी। काली बिल्ली से भागने का मतलब है किसी ऐसे शख्स से भागना जो उसे नुकसान पहुँचाने का इरादा रखता हो। दोस्तों, ये थी आज की ताबीरें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।